हाँ मछली भाई। चलिए थोड़ी देर के लिए हम करते हैं लाइव, क्योंकि अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है, मामा जी लोग आए हुए हैं, तो हम अंदर तो फिलहाल नहीं कर सकते। कौन सोता है भाई? ये चीज होते हैं ये है बाकी सब लोगों का नाश्ता, साबुदानी खिचड़ी। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था कि मामा जी लोग ऐसे आने की हम लोग की प्लानिंग है, तो उन्होंने ये पहले ही गला दिया था। तो ये हो गया, चाय हो रही है, ये मम्मी की रखी है, अभी भैया दूध लेने गए, और मम्मी का साबुदाना अलग बनाया है क्योंकि उनका घी वगैरह सब चीज़ें अलग थी। तो ये हो गया हमारा मम्मी का साबुदाना। भैया लोग गए हैं समोसे वगैरह लेने, फिर हम होगा हमारा नाश्ता जब तक हमारा साबुदाना ये पक रहा है। और ये निकाल दिया हमने गाय का, घी वगैरह सब अलग है, और बाकी हमारा बनना है भैया मम्मी के दूध लेने गए हैं, गाय का दूध। हमारी चाय बन चुकी है, मम्मी की आधी पकी हुई रखी है क्योंकि अभी दूध आएगा तब ठीक रहेगा, बाकी हमारा सारी तैयारी। और यहाँ पर मैं निकल रही हूँ किचन से बाहर, और मैं अपने रूम में ही जा रही थी क्योंकि मेरा यहाँ का सारा काम हो चुका था। भैया भाभी एक्चुअली समोसे और ढुकले लेके आ गए थे क्योंकि मामा जी के आने से एक दिन पहले हमने साबुदाने गला लिए थे, क्योंकि उसको गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो थोड़ा नाश्ता करना पड़ गया इसलिए हमने मंगा लिए हैं। हमारे मामा जी और ये है भाई छोटा, यश हमारा हो रहा है ना साबुदाने की खिचड़ी। मम्मी बताइए कैसी लग रही है? 11 बज रहा है इसमें। ये है हमारा नाश्ता, मामा जी भाई। Hours later. Actually, मामा जी के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मुझे भी थोड़ा सटपटा लग रहा था, और आपको भी वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा क्योंकि उनको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे कोई रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया हुआ है। और यहाँ फिर से हम किचन में आ गए खाना बनाने, मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, और ये देखिए ये हमारा खाना है। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं की क्योंकि जब तक मैं आई थी तब तक यहाँ पर मम्मी वगैरह सबका खाना हो चुका था। अभी हम आए हैं दोपहर में खाना बना के, और मुझे दीदी का एक्चुअली फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे लाइव के लिए कहा था कि किसी ने लाइव के लिए पूछ रहे थे, तो मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ चलिए थोड़ी देर के लिए हम करते हैं लाइव, क्योंकि अंदर मैंने आपको दिखाया हुआ है, मामा जी लोग आए हुए हैं, तो हम अंदर तो फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अभी सो रहे हैं। नाइट में एक्चुअली फुल नाइट वो लोग चले हैं अलीगढ़ से, तो उनको लगेगा भी टाइम। वैसे भी मेरे पास वीडियो वगैरह नहीं थे, मुझे वीडियो बनाना ही था, तो मैं लगा चलिए अपने वीडियो को भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर अब मैं करूँगी लाइव। रचित भी अंदर ही है, हालांकि उसको पता चल जाएगा तो वो आ भी जाएगा, लेकिन देखते हैं। मेरे पास वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगा चलिए अपने वीडियो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कब आएगा, क्योंकि आज तो मुझे वीडियो डालना था लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं था, और ये भी सही कहूँ कि इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो जैसा भी होगा जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे प्रॉपर अपना वीडियो डालने की। और आपको दिखाऊँ यहाँ पर मौसम ऐसा हो रहा है कि काफ़ी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, हालांकि अभी पसीना वगैरह नहीं दिख रहा है, थोड़ी बहुत ही हवा चल रही है। देखते हैं यहाँ पर वैसे एरिया में इसमें यहाँ नेटवर्क नहीं होता, देखते हूँ कितना वीडियो बन पाता है, जितना भी बन पाता है मैं उसको पोस्ट करूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी वीडियो में सपोर्ट कीजिए, आप लोग का वीडियो में बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा। देखते लाइव में तो फिर भी हमारा सपोर्ट मिल जाता है, नए लोग भी आते हैं ज्वाइन होते हैं सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वीडियो में नहीं आते ना सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत ख़राब लगता है। और यहाँ पर हो रहा है हमारा शाम का टाइम, क्योंकि मामा जी लोग के जाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं बस किचन के लिए बस तैयारी कर रही थी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था मामा जी लोगों के लिए रास्ते के लिए, क्योंकि मामा जी लोग आए हैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ में हमारी नानी का घर है, नानी नाना जी एक अब तो फ़िलहाल है नहीं, तो अब बस जाने का टाइम आ रहा है। मामा जी नमस्ते। एक्चुअली मामा जी लोग ने जब से मम्मी की तबीयत के बारे में सुना था तो बस उनसे रहा नहीं गया, और फाइनली वो अपने बेटे के साथ आ गए हैं। हालांकि ये भाई भी हमारा फर्स्ट टाइम ही आया है, इससे पहले वो नहीं आया था, और रात में ही इनके वापसी की ट्रेन थी, बस ये लोग थोड़े टाइम के लिए आए थे क्योंकि इनको अपना कहते ना जॉब वगैरह पे भी जाना था, क्योंकि हमारे संडे थी और वैसे भी सबकी छुट्टी थी, और मेरा सच बताऊँ आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारा हो रहा है खाना, ये मम्मी खा रही है और हमारी भी पूरी आ गई है।
और ये मॉर्निंग की सब्जी थी अभी रास्ते के लिए मैंने बनाई हुई थी, थोड़ी थोड़ी सब्जी थी तो उसी से हम लोग मैनेज कर, और एक अचार है। तो अभी हो जाएगा हमारा फाइनली खाना 8:30 बज रहा है और इसके बाद मैं करूँगी लाइव। और वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है और बहुत लंबा भी नहीं बनाऊँगी, रीज़न ये है कि हमारे लाइव पे तो तब भी कहते हैं ना व्यूज़ आ जाते हैं, लोग उतना इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन वीडियोज़ पर नहीं आ रहे, तब तो सर बताओ तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा कि वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ करना है। अब आज तो फिलहाल मेरा हुआ भी नहीं, मेरा अब एक दिन बाद ही पीछे जाएगा, तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को भी ऐड करूँगी। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और अब मैं जा रही हूँ इसके बाद खाना खा के लाइव करती हूँ, क्योंकि 9 बजे में मैं लाइव करती हूँ। अब कैसा करते हैं ये भी देखते हैं, दीदी से मैं पूछूँगी कि हम लोग लाइव टुगेदर करेंगे कि कैसे भी करेंगे, और जो भी होगा लिंक मैं दे दूँ। देखिए हमारा लाइव हो चुका है, हम सोने जा रहे थे और ये भाई साहब हमारे पास आ चुके हैं, आज कल हमारे साथ सोएंगे। उठाओ मत उसे, खुद से बैठा है वो, आराम से बड़े कंफर्टेबल होके बैठता है कि बिल्कुल क्यों बना जाए, है ना जल्दी ऐसे ही सोएगा तो मैं कैसे सोऊंगी। एक ग्लास दूध नहीं उसके ऊपर ऐसे करके इसको ऐसे हो जाएगा ऐसे रखे कैसे, ठीक है मैं मारेंगे बात ऐसे बोल रहे तो रहन दो फिर। क्या प्यारा है, चलो सो जाओ, हम दोनों लोग सोएंगे इधर, मम्मी उधर सोएंगे, रजत सोएगा अपना अपने रूम में। हम लोग बहुत मजे से सोते पता है, कल रात में हम लोग बहुत मजे से सोए थे, तो हम अकेले सोते हैं, हम जल्दी के साथ सोते हैं, कल रात में 4:30 बजे गया। एजी कौन सोता है भाई, एजी सोते हैं ये, एजी कौन सोता है, हम भी ऐसे सोए आज, क्यों बोल लू ऐसे कौन सोता है, जरा कमेंट करके बताइए भाई ऐसे अपने घर में कौन सोता है इतना कंफर्टेबल होके। हैं मैं ऐसे तो कभी नहीं सोई, आपका सोना दिखा दूं अगर ना तो ऑडियंस आ जाएगी। चला